सहयोगी पार्टी शिवसेना पहले ही बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं अब बीजेपी विधायक भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। अक्सर पार्टी को अपने निशाने पर लेने वाले काटोल से विधायक आशीष देशमुख ने कमल का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने आज स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही आरोप लगाया कि रोजगार देने और किसानों की मदद करने में मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार फेल रही है। आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसके अपने उससे दूर होते जा रहे हैं। पहले पूर्व सांसद नाना पटोले ने किसानों और बेरोजगारों को लेकर मोर्चा खोला था, बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा ही दे दिया था, बीजेपी को भी छोड़ दिया। पटोले बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। पटोले के ही नक्शे कदम पर एक और बीजेपी विधायक चल पड़े हैं। जी हाँ, काटोल से विधायक आशीष देशमुख पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। सरकार पर लगातार आक्रामक देशमुख ने भी आज बीजेपी और विधानसभा सदस्यता दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। आशीष किसी राजनीतिक दल का दामन थामेंगे ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में केवल 2,20,000 रोजगार के अवसर ही पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को महज दिखावा और प्रचार करार दिया। आपको बता दें कि आशीष देशमुख ने अपने विधानसभा क्षेत्र में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले भी वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। बीजेपी में लगातार बढ़ती जा रही ये बगावत आगामी चुनाव में उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।